ठंडी का सीजन आ गया है तो अब मूली और गाजर का अचार बनाने का मौसम आया है, तो चलिए आइए आज हम मूली गाजर का मिक्स अचार बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने मूली को अच्छे से धो लिया है, मूली और गाजर दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनको हम इस तरीके से सबसे पहले छील लेंगे। गाजर और मूली दोनों को ही हम अच्छे से इस तरीके से छील लेंगे। और इस ध्यान रखिए इसको मतलब धो के अच्छे से सुखा लीजिए, पानी नहीं रहना चाहिए, तो इसको धो के थोड़ी देर के लिए अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए तो कट करेंगे तो आपको जितना बड़ा आकार रखना है उतने बड़े आकार में आप कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बीच से धो किया है। अब इसको मैं तीन हिस्से में मतलब इस तरीके से देखिए 1 एंड 2 ही हिस्सों में कट किया है। जैसे हम फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू की कटिंग करते हैं ना, उस तरीके से हम इनकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे। ये इसमें से बीच का ये पार्ट हटा देंगे। गाजर कट हो गई है, इसी तरीके से हम मूली को भी काट लेंगे। मूली को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए इसको हमने तीन हिस्सों में काट लिया है। मूली मतलब मोटी है तो इसको तीन की जगह हम चार हिस्सों में करेंगे। ये देखिए इसे चार हिस्से कर लिए। अब इनको भी पीसेस बना लेंगे। इस तरीके से हम सारी मूलियों को कट कर लेंगे। देखिए गाजर मूली दोनों हमारी कट गई हैं। ये देखिए आप मतलब पतला या छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिए पीसेस, जैसा करना है आपको। यहाँ पर मैंने किचन टॉवल ली है, उसमें हम इनको डाल देंगे, जिससे जितना भी थोड़ा बहुत इसमें अगर पानी होगा मॉइस्चर होगा तो कपड़े में सोख हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से कपड़े में फैला देंगे। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे जब तक ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। हम इनको बॉईल करके नहीं बनाएंगे, कई लोग मतलब बॉईल करके भी बनाते हैं, हम इनको कच्चा ही बनाएंगे। हमें मैं थोड़ा सा ना मिर्ची और अदरक भी ऐड करूंगी। मैंने अदरक ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है। इनको भी हम साथ में डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अदरक को भी हम ऐसे पतला पतला काट लेंगे। देखिए इसके भी हम पतले पतले स्लाइस में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। देखिए अदरक हमारा कट गया है, सारे अदरक को मैंने अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखिए अब मिर्ची को भी कट कर लेंगे। मिर्ची को कट करने के लिए हमें सबसे पहले हम इसका डंठल निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मिर्ची को हम बीच में से फाड़ लेंगे, मतलब बस बीच में से इस तरीके से दो कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मिर्ची के सिर्फ हमें दो हिस्से करने हैं। कैंची से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से अच्छे से हो जाते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमने मिर्ची ली और इसको ये देखिए दो हिस्सों में कर देना है। इस तरीके से हम सारी मिर्ची को कट कर लेंगे। देखिए मिर्ची भी अच्छे से कट हो गई है। अब हम इनको उसी कपड़े में फैला देंगे। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे जब तक हमारे ये अदरक मिर्ची मूली गाजर ड्राई हो जाएगी अच्छे से। देखिए सारी चीजों को हमने कपड़े पर फैला दिया है। आइए चलिए अब मसाला तैयार करते हैं, जब तक इनको ड्राई होने देंगे। तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन रखा है, इसमें हम 1 चम्मच काली सरसों डालेंगे, 1 चम्मच काली सरसों और 1 चम्मच पीली सरसों, 1 ही चम्मच हम पीली सरसों डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, मेथी डालेंगे 1/4 चम्मच, 1/2 चम्मच मेथी डालेंगे, 1/2 चम्मच हम मेथी डालेंगे, खड़ी मेथी है, अजवाइन 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। देखिए 15 से 20 ब्लैक पेपर और 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ,
पीसी सौंफ लेते हैं, मेरे पास पीसी सॉरी खड़ी सौंफ लेते हैं, मेरे पास खड़ी सौंफ नहीं है तो मैं पीसी सौंफ डाल रही हूँ। खड़ी सौंफ लेना है एक चम्मच। अब इन सबको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आँच पर। हम रोस्ट करते हैं ना तो बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है मसालों की, देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मसाले रोस्ट हो गए हैं तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा इसको पीस लेंगे, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हमें दरदरा इसको पीसना है। तो उसके लिए ठीक है एक जाली है उसमें हमें मसाले डालेंगे और दरदरा इसका पाउडर तैयार करेंगे। ध्यान रखिए एकदम चिकना नहीं करना है, दरदरा पाउडर हमें बनाकर तैयार करना है। देखिए इस तरीके से दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे, इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। देखिए कुछ और मसाले हम ऐड करेंगे, इसमें हम 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे, बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है कश्मीरी मिर्च डालने से और तीखा भी नहीं होगा। हम हरी मिर्च डाल रहे हैं तो तीखी मिर्च नहीं डालेंगे, बहुत तीखा हो जाएगा अचार, इसलिए हम यहाँ पर लाल कश्मीरी मिर्च लिए। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 या 1 चम्मच ले लीजिए हल्दी पाउडर। अब इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे, कलौंजी या ओनियन शीट जो भी, ब्लैक जीरा जो भी आप कहते हैं वो डालेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पैन रखा है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, अचार में सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है सरसों के तेल का। ये देखिए हमने कम से कम 5 से 6 चम्मच बड़ा वाला सरसों का तेल ले लिया है। इसको हम अब थोड़ा गर्म होने देंगे, थोड़ा इसमें से धुआं निकलने लगे। देखिए तेल हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें हमने जो ये काट के रखे हैं मूली गाजर हरी मिर्च और अदरक वो हम इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम चलाएँगे साथ में तेल के साथ में, सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा नहीं करना है और आँच को धीमी ही रखना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अचार ना आप 1 साल तक भी आप स्टोर करोगे ना तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ताज़ा ताज़ा खाने वाला ही, इसको स्टोर भी कर सकते हैं हम 1 साल तक। अब हमने जो मसाला तैयार किया है ये हम डाल देंगे, मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को धीमी ही रहने दें, इसको अच्छे से मिक्स करें। ये गरम तेल में डालने से ना मसाला भी हमारा अच्छे से सिक जाएगा, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी मसाले से। देखिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब हम नमक डालेंगे, दो बड़ा चम्मच करीब भर के मैंने नमक डाल दिया है, अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही लगता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको ठंडा होने पर हम किसी भी कंटेनर में भर कर रख सकते हैं, आराम से 1 साल तक इस अचार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे, खाना है तो विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो 1 चम्मच विनेगर डाल दीजिए जिससे अचार ख़राब नहीं होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच विनेगर डाला है तो विनेगर को भी अच्छे से ही मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने से क्या है ना अचार ख़राब नहीं होता है, मतलब हमें अगर स्टोर करना है तो आप 1 चम्मच विनेगर या 1 नींबू का रस डाल दीजिए। देखिए मिक्स अचार एकदम बनकर रेडी है। अचार देखिए ठंडा हो गया है, अब हम इसको एक कंटेनर में भर देंगे। मेरे पास यहाँ पर एक ये कंटेनर है, इसमें मैं अचार को
रख रही हूँ। और ध्यान रखिए कंटेनर बिल्कुल मतलब सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम अचार को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम अचार को रख देंगे। इस अचार को अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो और भी अच्छा है। फ्रिज में रखने से क्या होता है, जो हमारे पीस है ना गलते नहीं है, जैसे अभी एकदम कड़क क्रंची है ना इसी तरीके से रहेंगे। और बाहर रखने से थोड़ा सा लूज हो जाता है, क्रंचीपन चला जाता है। तो इसको अगर फ्रिज में रखो तो बहुत ही अच्छा अचार रहता है।